जय हिंद दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सलूजा बजाज ऑटो के शोरूम पर। यहाँ पे दुर्गा पूजा और दीपावली पर काफी सारे छूट मिल रहे हैं और जो कस्टमर इस टाइम खरीदता है तो उन्हें गिफ्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। और जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा सीएनजी और पेट्रोलिंग दोनों ऑटो है। अगर कोई कस्टमर इस टाइम लेता है दीपावली से पहले तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सिंपली चलते हैं, ओनर से बात करते हैं, जो 2024 में जो गाड़ी लॉन्च गया है इसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या मॉडल है। अगर कोई कस्टमर इसको परचेज करता है तो कितने कम पैसे में इस ऑटो का उसको मालिक बना दिया जाएगा। तो सिंपली चलते हैं। हेलो सर, कैसे आप? आई एम फाइन। तो सर, सबसे पहले अपना गुड नेम बता दीजिए। माय नेम इज शाद अहमद। जी सर, तो सर अभी मैं सुन रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पे सीएनजी और पेट्रोलिंग ऑटो आया है इसमें काफी सारे फ्यूचर भी है और जैसे दीपावली भी पास में आ रहा है तो आपके शोरूम पर काफी सारे छूट भी दिए जा रहे हैं और कुछ गिफ्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जी, तो जी, सर जी, इसके फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? हम आपके इस फ्यूचर बजाज ऑटो 3-व्हीलर है इसके बारे में हम बहुत कुछ बताएंगे। जी सर, आप आए हैं हमारे यहाँ। जी सर, ये है बजाज 3-व्हीलर जो सीएनजी प्लस पेट्रोल है। जी सर, सीएनजी पेट्रोल से ये चलने वाली गाड़ी 3-व्हीलर है। जी सर, जिससे कारण बहुत अच्छे से और बहुत सारे इसमें फीचर है। जी सर, इस गाड़ी को लेने के लिए बहुत से फायदे भी हैं। जी सर, जिससे हमारा कस्टमर संतुष्ट भी रहे। जी सर, बैटरी से तुलना इस गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रोवाइड है। बैटरी में क्या है ना, अबकारी समस्या आ जाती है। हमारी गाड़ी में ऐसी सिस्टम है कि इसमें कंपनी द्वारा 3 सर्विस प्लस 1 वर्ष की और इंजन की गेयरबॉक्स की वारंटी भी दिया गया है 40,000 किलोमीटर तक। जिसमें आपको आपके दिखाते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं। जी सर, आइए। ये गाड़ी हमारी है डिजिटल, जिसमें गाड़ी है हमारी डिजिटल। चाबी ऑन होने पर ये गाड़ी आपको ऑन हो जाती है, जिसमें न्यूट्रल लाइट की समस्या और MI लाइट की समस्या, बैटरी की समस्या, सारी फैसिलिटी है। और इस गाड़ी के अंदर ये खासियत है कि इस गाड़ी को स्टार्ट करने पर ये MI लाइट बूट हो जाती है, जिससे कारण गाड़ी के इंजन में कोई फॉल्ट नहीं आता है और गाड़ी एकदम बिंदास चलने में एकदम मस्त फर्स्ट क्लास होता है। गाड़ी में अगर कोई समस्या आती है तो हमारी MI लाइट जलने लगती है, जिससे अच्छा कारण ये होता है कि गाड़ी में कोई चीज या कोई दिक्कत या कोई पार्ट्स डैमेज होने वाला, जिससे कारण ये MI लाइट जलने लगती है। और बैटरी का प्रोवाइड ये होता है कि चार्जिंग में कोई अर्थिंग आ जाती है, जिसके कारण ये बैटरी का लोकेशन लूप लाए करने लगता है। और ये सीएनजी है, जिससे सीएनजी हम भरवाएंगे तो यहाँ बटन है का ऑटो है जो सीएनजी पेट्रोल है। अच्छा सर, तो यहाँ पे बटन भी लगाया गया है? जी सर, जी सर, यहाँ पर 2 बटन लगाए गए हैं सीएनजी प्लस पेट्रोल। अच्छा सर, हमने अभी सीएनजी पे किया हुआ है जिससे कारण ये सीएनजी लाइट जलने लगी है। अच्छा सर, और पेट्रोल पे करने पर कुछ ही सेकेंड बाद आ जाता है पेट्रोल का ऑप्शन। अच्छा, जो लूप लाए करने लगता है। जी सर, ये तो काफी बढ़िया दिया गया, मतलब कि कस्टमर को पता भी चल जाएगा कि हमारा गाड़ी सीएनजी पे चल रहा है कि ये पेट्रोल पे। ठीक है, बहुत से कस्टमर क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कारण पता नहीं होता कि इसमें क्या है, सीएनजी चल रही है कि पेट्रोल चल रहा है। और इमरजेंसी जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गया तो आप इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं। अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल और सीएनजी दोनों है और जिसमें आपको प्रॉफिट लगता है, जैसे कि आप पेट्रोल भरवा लिए हैं, इमरजेंसी फंसने के बाद ही आप पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। और इसमें ये बटन भी दिया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतना अच्छा बटन दिया गया है सीएनजी पेट्रोल पे। अब ये हमारा सीएनजी पे कन्वर्ट हो गया है। जी सर, और सर इसमें क्या फीचर दिया गया? जैसे कि यहाँ पे बटन चालू करने के बाद इसमें काफी सारे फंक्शन आ जाते हैं। जी जी, बहुत से फंक्शन आ जाते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया। जी सर, कि एक लिमिटेड है, एक MI लाइट है, एक बैटरी की है और एक जो है इंडिकेटर, ये है ब्रेक ऑयल लॉयल। जी सर, और सर यहाँ पे जो ई लिखा गया है, एफ लिखा गया है, या ये हमारे यहाँ जो गैस, जैसे अभी हमारे टंकी में गैस का है तो ये फुल होने पर जी सर ग्रीन लाइट, उसके बाद येलो लाइट आ जाती है। जैसे हमने अभी 5 लीटर गैस भराया, 2 लीटर गैस भराया तो यहाँ पर ग्रीन हो जाती है। अच्छा सर, इस रेड लाइट पे हम ज्यादा तक 16 से 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हमें ये रेड सिग्नल देता है कि अब हमको पेट्रोल टंकी पे जाना है तो सीएनजी भरवाने के लिए। ये काफी अच्छा दिया गया कि मतलब कि पहले से जो गाड़ी चला रहे हैं उनको पता चल जाए कि रेड सिग्नल आने पर हमको जाना है टंकी पर। जी सर, और सर इसमें जो इसका हाई स्पीड है, कितना स्पीड है सर इसकी? फुल स्पीड हम ज्यादा तक 60 तक भगा सकते हैं। जी सर, लॉन्ग रोड पे 60 तक, इससे ऊपर भगाने के लिए गाड़ी की क्षमता और स्पीड बहुत बेटर है। जी सर, अब ऑन रोड स्पीड है। जी सर, और ये इसमें ये भी बताता है कितना किलोमीटर आप चला चुके हैं। आप ये हमारी टाइमली किलोमीटर है, हम 22 किलोमीटर
अभी इस समय 22 किलोमीटर चल चुका हुआ है। जी सर। और सर इसमें जो ये वाइपर दिया है कि ये वाइपर है, ये देखिए ऑन करने पर चाबी वाइपर जलने लगता है, चलने लगता है, इससे कोई बारिश होने लगेगी तो ये वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जी सर। और ये हॉर्न है जो गाड़ी के लिए है, ये हमारा जो है लाइट फुल लाइट के लिए होता है। जी सर। किसी कस्टमर को पता नहीं रहता ना, चाबियां भी दो प्रकार की होती है। जी सर। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये चाबी हमने किया कि ये पूरा फंक्शन बुत गया, मगर बट एक और कारण है जिससे कारण हमने पूरा किया तो ये लाइट पूरी जल जाती है। चाबी को हमने फुल ऑफ करने पर भी लाइट जलती है। ये क्यों जला है सर अभी? ये इसलिए जला है कि क्योंकि हम कस्टमर को ये चीज बताते हैं कि ये फुल ऑफ करने पर इससे हमारा बैटरी का नुकसान होता है। अच्छा सर। जो बैटरी का नुकसान होता है ये क्योंकि बुतेगी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये डीपर्स होता है। अब हमने आप कर दिए तो पूरी लाइट ना, इससे हम कोई चीज जला सकते हैं ना, वापस चला सकते हैं ना, हॉर्न बजा सकते हैं। ये तो काफी बढ़िया दिया गया है। जी, जी। और सर इसमें जैसे मोबाइल भी रखने के लिए सुविधा दिया गया है। जी, ये मोबाइल आप रख सकते हैं इस तरीके से, मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पर रबड़ वाला स्पिंच दुआ हुआ है, आप कर सकते हैं ये। और मोबाइल चार्जर का भी व्यवस्था इसमें दिया गया है, इसमें मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जी जी जी, काफी बढ़िया देगा। और जैसे कि अब छोटा मोटा सिक्का है एक दो चार रुपए, तो यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी नोट का व्यवस्था या गल्ले दिए गए हैं। अच्छा सर, यहाँ पे रखने लिए दिया गया है, गल्ला दिया गया है। ये तो बढ़िया है कि मतलब आपको जेब में नहीं रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बहुत लोग चेंज देते हैं, तुरंत पैसे दिए, गल्ला में हमने डाल दिया है। जी सर। और यहाँ स्पीकरों का प्रबंध किया गया है। जी सर। बजाज थ्री व्हीलर हमारा ऑटो आरी कम्पैक्ट है। जी सर। तो सर ये भी साउंड दिया गया है, ये इमरजेंसी के लिए कागजात वगैरह के लिए दिया गया है। अच्छा, आपके पास कोई कागज वगैरह हो, भीगने से बचाना हो तो इसमें डाल सकते हैं। अच्छा सर। और ऐसा लगता है कि सर, ऐसा लगता है कि जैसे ये डीजे पूरा व्यवस्था दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, डीजे का व्यवस्था दिया गया है, मतलब कि आप इमरजेंसी चीजें में कुछ रख सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये डीजे है कि इसमें सामान रख सकते हैं। और ये लाइटिंग दिया सर, ये लाइटिंग का व्यवस्था है। अच्छा सर, ये ऐसे ऑन करने पर जल जाती है, हमेशा रात के समय किया जाता है। जी सर, ये तो काफी बढ़िया लाइट दिया कि मतलब कि बटन भी नहीं तब भी इसमें यूज कर सकते हैं लाइट का। जी जी जी, ये काफी बढ़िया इसमें दिया गया है। और सर इसमें क्या फीचर दिया गया है, जैसे कि ये सर सीट, इसमें ये सीट है, इसमें एक छोटा सा डिग्गी बना दिया गया है जिससे हम अपनी टूल्स की सारी व्यवस्था है इसमें रख सकते हैं। ये एक स्टेपनी कंपनी द्वारा दी गई है, एमरॉन की बैटरी है, एक टूल किट है और एक जो है पैड है मेडिकल की। अच्छा सर, ये कंपनी के द्वारा, कंपनी द्वारा दी गई है। ये हमारा चोट लग गया तो उसके लिए दिया गया है। तो इसमें बहुत सी क्रीम है, बैंड है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सामान है दिया गया है। जी सर। और सर इसमें जैसे कस्टमर इसको खरीदता है तो कैसे पैसे कमा सकता है, क्योंकि इसमें जैसे सीट दिया है उस हिसाब से काफी छोटा है, फिर भी कैसे पैसे कमा सकता है? अब कस्टमर को हमने गाड़ी ऑन रोड दिया है। जी सर। बाहर निकलते कस्टमर का ये होता है कि अब चार सवारी इसमें बैठ के हमको फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसमें दो प्लस कर लेते हैं, एक सीट और लग जाती है। अच्छा सर, इसमें सीट लगवा सकते हैं? हाँ जी, इसमें छोटा सा सीट, एक इधर एक उधर, दो सीट लगवा सकते हैं जिससे हमारा कस्टमर कंफर्टेबल तरह बैठ सकता है। ये तो काफी बढ़िया दिया गया, मतलब कि इस तरीके से दिया ही गया है, और थोड़ा सा यहाँ पे रड लगा के आप आराम से बैठा सकते हैं, जिससे कि आगे भी तीन चार कस्टमर आराम से बैठ सकते हैं। इसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि कंपनी द्वारा आपको फायर टैंक मिल रहा है। अच्छा सर, ये कंपनी के द्वारा ही मिल रहा है? कंपनी द्वारा मिल रहा है। ये तो काफी बढ़िया दिया कि अगर आप 1.5 केजी का टैंक है, गाड़ी में कुछ फॉल्ट आता है तो आप इससे बुता सकते हैं। जी जी। और यहाँ पे ये जो सीट दिया है काफी सर मजबूत भी दिया है, और काफी मखमल टाइप का दिया गया है, तो इसमें कम से कम 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बेशक इसमें 4 लोग आराम से आ सकते हैं और कंफर्टेबल तरफ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया सी सीट है। और ये काफी स्पेस भी है सर, काफी स्पेस भी है, आप कस्टमर के लिए सेफ्टी भी है, दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं। जी सर, कस्टमर और बच्चे सेफ की तरह बैठ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सामान है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, या तो पीछे डिग्गी का थोड़ा सा व्यवस्था किया गया है इस आरी गाड़ी में, ये बजाज आरी कंपैक्ट है, इसमें पीछे एक सामान रखने के लिए जगह स्पेस बना है। जी सर, और काफी बढ़िया, इसमें हम साउंड भी रख सकते हैं, जगह भी है कि अपना कोई टूल वगैरह या पेटी वगैरह हो, बैग हो, उसमें कुछ भी रख सकते हैं। और इसका जो ऊंचाई है काफी ज्यादा है कि मतलब कि चाहे जितना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी रहे तो ये ऊपर लड़ेगा नहीं, ठीक है? जैसे कि अब बरसात में रहता है कि भाई स्पेस कम है तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लगता, हाँ जी हाँ जी, इसमें क्या है ना, सपोर्टेड डेट इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया रॉड लगे हुए हैं, मजबूत रॉड लगे हुए हैं, हम जो है ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, इतने ऊंचे भी है कोई भी जो है आराम से बैठ जाए, उसका सर
काफी एक बिस्ते बराबर ऊंचा है जिससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों तरफ साइड शीशे भी लगे हैं कि हम पीछे से आगे देखते जाते हुए। अच्छा सर, ये साइड पीछे देखने के लिए लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा से यहाँ पे मिरर भी लगाया गया है, जैसे पीछे गाड़ी आप मोड़ है बैठाए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे शीशे के माध्यम से सब कुछ देख सकते हैं। काफी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पे ये सर जो लाइट दिया गया इंडिकेटर है सर? जी ये इंडिकेटर है, ये हम साइड के लिए दिया है, राइट जाना हो तो हम राइट का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और ये, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं सर? ये नंबर प्लेट के लिए गया है, डिजिटल नंबर पे जो RTO द्वारा आजकल नंबर मिल रहे हैं पीले कलर की, वो डिजिटल है जिसके कारण हमारे यहाँ नंबर प्लेट यहाँ पंचिंग होते हैं, वो भी शोरूम पर। जी सर, और काफी बढ़िया ये दिया गया कि जो इसमें बजाज कंपनी का ब्रांडेड चीज लगा है, यहाँ पे उसका लोगो भी लगाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं बजाज यहाँ पे आरी कंपनी का लगाया गया है, ये काफी बढ़िया रहता है कि मतलब जो भी इसमें पार्ट लगे, जो एसोसिएशन लगा है, ये सब कुछ ये बजाज कंपनी का ही लगाया गया है। तो हाँ, सर इसमें जो इंजन दिया गया है उसको कितने साल की वारंटी है सर? इंजन हमारे जो दिए गए, आइए आपको पीछे इंजन के बारे में बताते हैं। जी सर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा सा यहाँ पे इंजन लगाया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का गांव में नहीं इंजन होता पानी निकालने वाला, हाँ, इतना बड़ा इंजन है इसमें लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं ये CNG पेट्रोल का इंजन है। जी सर, ये CNG 277 CC का है, जिसमें ये जो है ऑयल का है, इसमें एक लीटर 600 ग्राम मोबिल आता है और क्राउन में 600 ग्राम आता है, टोटल मिला के 2 लीटर 100 ग्राम की मोबिल आती है इसमें। जी सर, इसमें गियर का और गियर बॉक्स ऑयल की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, हाँ सर, जैसे कि इसमें CNG और पेट्रोलिंग दोनों दिया गया है, अगर मैं दोनों साथ में भरवाता हूँ तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, इससे कोई बेटर नहीं नुकसान होता है। CNG से क्या रहता है, थोड़ा हीटिंग ज्यादा इसमें है कंपनी द्वारा है। जी सर, और पेट्रोल से जो इमरजेंसी के लिए होता है इसलिए पेट्रोल इसमें क्षमता दी गई है, बाकी इसमें कोई नुकसानदायक नहीं है। बाकी सब सेंसर द्वारा MI लाइट द्वारा सब सिस्टम दी गई है, ये हमारा MI लाइट की पूरा फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये एक ECU करके एक असेंबली लगी है जो पूरे इंजन को एक हेड करता है ब्रेन की तरह। अच्छा सर, ये ठंडा करता है? ठंडा करता है, ये काफी बढ़िया दिया गया है। और बाकी यहाँ पे जो साइलेंसर दिया गया सर, यहाँ पे इस बार ऊपर दे दिया गया है? नहीं, साइलेंसर जो दिए नीचे काफी गैप कर दिया गया है ना, कि कोई भी ऊंचाई हो ब्रेकर हो उससे बचने के लिए, हमारे इंजन को कोई नुकसान ना दे, इस वजह से हमने इसे बजाज RE ने कम्पैक्ट थोड़ा ऊंचा बना दिया, ये बम्पर के लिए सपोर्ट डेट सर, बाइक वगैरह के लिए। जी सर, ये बम्पर इसलिए लगाया गया कि जैसे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है तो अगर बम्पर नहीं लगाया रहेगा तो सीधा हमारे इंजन से गाड़ी लड़ेगा और हमारा इंजन भी खराब हो जाएगा। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे बम्पर लगा दिया गया है कंपनी द्वारा। यस सर, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये लाइटिंग दिया गया और कंपनी द्वारा 3 सर्विस इसमें फ्री मिला हुआ। अच्छा सर, 3 सर्विस फ्री दे रहे हैं? 3 सर्विस फ्री है, जिसमें पहली सर्विस 1000 पे है, दूसरी सर्विस 5000 पे है, तीसरी सर्विस 10000 किलोमीटर पे है, जो कंपनी द्वारा फ्री मिला हुआ है ऑयल सहित। अच्छा सर, ऑयल सहित फ्री मिला हुआ, ये तो बढ़िया है कि मतलब कस्टमर अगर ले रहा है तो बेनिफिट है सर, बम्पर बेनिफिट है। अब 2 पहिए वाहन में 4 पहिए वाहन में ऑयल का पैसा देना पड़ता था। जी सर, ऑयल का पैसा देना पड़ता था और लेबर चार्ज फ्री करते थे, इसमें हमने लेबर चार्ज और ऑयल भी फ्री किया हुआ। जी सर, तो सर यहाँ पे जो कंपनी का MRF टायर लगाया गया है बजाज में, तो ये कितने इंच का है और कितने साल की वारंटी है सर? ये जो हमारे टायर कंपनी जो देती है। जी सर, ये एक MRF टायर का है। जी सर, ये तो सर कितने इंच का होता है? ये टायर जो होता है 3 इंच का होता है। और सर कितने और ये 4.2 का टायर लगा रहता है इसमें। जी सर, एक साल कंपनी द्वारा एयर की वारंटी दी जाती है कंपनी से। अच्छा, तरफ से जो एयर निकलने पर आपको एक्सचेंज ऑफर कर दिया जाता है, ये सब बढ़िया दिया गया है। जी, और इसे सर ये क्या है? ये ट्यूबलेस टायर है सर। अच्छा सर, ये ट्यूबलेस टायर है जिससे काटा वगैरह खिलौने से हमारे टायर में कोई नुकसानदायक नहीं है। और ये आपको बताते हैं, ये CNG है। अच्छा, ये CNG से यहाँ से भरवा सकते हैं? यहाँ से CNG इसमें है, एक बुल्ली टाइप का है ये देखिए। अच्छा, ये CNG का लोगो है जो पुल्ली जो बोलते हैं। जी सर, इसको निकालने से हम यहाँ पंपिंग कर CNG भरवा सकते हैं। अच्छा सर, देख रहे हैं आप? जी सर, काफी ये CNG है। जी जी जी, ये तो बढ़िया दिया गया है। और इसको जो है जब तक इसको लॉक नहीं करेंगे। जी सर, स्टार्ट नहीं होगी, अगर ये जरा से भी ढीला रहेगा। अब चाबी ऑन करिए, आपको एक फंक्शन दिखा, तो ये जरा भी ढीला रहेगा चाबी क्या है ना, आपको पूरी फंक्शन नहीं जलेगी लाइट। अच्छा सर, स्टार्ट गाड़ी नहीं होगी। अच्छा सर, इससे ढीला होने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये हमने टाइट कर दिए तो आपकी गाड़ी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। ये ऑन ऑफ है, ये सोनोलाइट सूट लगी है, ये गैस बताने का मीटर भी लगा हुआ है, इसमें एक छोटा सा वॉच लगा हुआ है। अच्छा सर, जो गैस
किलोमीटर पे है, कितने मेरे गैस टंकी में गैस बचा हुआ है, सब बायोडाटा इसमें भी है, डिजिटल मीटर में भी है, दोनों तरह जगह पे है। जी सर, ये बढ़िया दिया गया है। जी जी जी, जी सर, उस साइड 2.5 लीटर का टैंक है। जी सर जी। तो सर ये क्या दिया गया है? ये है, आपको हम बताते हैं, छोटा सा चीज है ये गाड़ी, जैसे हमने ऑन किया जी सर, न्यूट्रल लाइट की है। अच्छा सर, ये गाड़ी को बैक करने का काम करती है, ये इसको हम बोलते हैं रिवर्स। अच्छा सर, रिवर्स, ये इसको ऊपर करने पर गाड़ी रिवर्स हो जाती है। अच्छा सर, और इसको नीचे कर दिया तो गाड़ी फ्रंट पर चलने लगेगी। अच्छा सर, जैसे आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ, स्टार्ट करने पर ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। जी सर, तो अभी हम फ्रंट आगे ले जा रहे हैं। आगे जाएंगे सर। जी सर, थोड़ा सा ये देखिए आगे गया। जी सर, ये फ्रंट गियर है। जी सर, फिर उसके बाद जी सर, हमने ये देखिए रिवर्स उठाया और फिर उसको बैक जाने लगी, ये रिवर्स का काम। अच्छा करता सर, है। ए, उतर के ठेलने वाला सिस्टम खत्म हो गया? नहीं नहीं, वो अब वो सिस्टम नहीं है। पहले क्या रहता था, हैंडल में फोकस करता था, अब हैंडल में नहीं है। जी सर, सीधा हमने एक बटन द्वारा कर दिया सिस्टम। ये तो पहले क्या रहता था, पंचिंग उठाना पड़ता था, यहाँ से अब फंसने लगता था, इससे प्रॉब्लम करता। जी सर, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुविधा के लिए यहाँ पे रिवर्स का यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन है, गाड़ी यहाँ आराम से पीछे ले जा सकते हैं, बैठे बैठे दो काम कर सकते। जी सर, तो सर जैसे ये क्या ऑप्शन दिया गया है सर यहाँ पे जो लगाया गया है? अब जैसे कि हम कहीं चल रहे, अचानक ऊंचाई पड़ गई या पीछे ढाल पड़ गया, ये हैंड ब्रेक का काम करती है। ये हैंड ब्रेक भी गाड़ी थी, इसको उठाने पर हैंड ब्रेक रख जाता है, इससे हम क्या करते हैं, गाड़ी हमारी ऊंची रहे या ढाल पे रहे तो गाड़ी हमारी हिलती नहीं, ढाल पे ढनकती नहीं है गाड़ी। ये तो बढ़िया दिया गया कि अगर कोई कस्टमर जैसे गाड़ी लिया गया और ब्रिज पे जा रहा है और उसको कस्टमर को उतार कर उसको वहीं पे पैसा देना होना होगा, तो क्या होगा कि आप हैंड ब्रेक लगाकर उससे पैसा दे सकते हैं, पैसा ले सकते हैं और गाड़ी हमारा पीछे नहीं जाएगा, पीछे आगे बिल्कुल नहीं हिलेगा, एक जगह पे खड़े रहेगा। ये तो बढ़िया दिया गया। और सर यहाँ पे इमरजेंसी के लिए ये भी क्या दिया गया है, इसका क्या यूज होता है सर? पहले क्या, पहले जमाने में फुल स्टॉक थी आरी बाजार में, फोर स्ट्रोक, तो लोग क्या कहते थे, सेल का सेल्फ रहता था तो सेल्फ का इस्तेमाल लोग कम करते थे। जी सर, तो चाबी पहले क्या करती थी, चाबी बहुत कम लगती थी गाड़ी में, सिर्फ चाबी का काम यू होता था कि सिर्फ लाइट जला सकते थे। अच्छा सर, पहले क्या गाड़ियों में चाबी का काम सिर्फ लाइट जलाने का काम करती थी, और इससे क्या होता था, स्टार्टिंग होती थी पहले की गाड़ियों में। जी सर, जो बजाज की पुरानी गाड़ियां थी, टू स्ट्रोक और टू व्हीलर, तो उसमें क्या, ये स्टार्टिंग का काम करती थी, ये पेट्रोल पे पहले गाड़ियां ऐसे झटके से एक दो तीन बार ऐसे हिलाने से स्टार्ट हो जाती थी। तो अब न्यू फंक्शन VS6-2 है, तो इससे क्या हो गया, चाबी द्वारा कर दिया। अच्छा सर, ये इमरजेंसी पे काम आता है। अच्छा सर, दिया गया है पुराने की जैसा, पर इमरजेंसी के लिए ये काम आ जाएगा, अगर कभी आप फंसते हैं, गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी सब सुविधा के लिए यहाँ पे चाबी द्वारा स्टार्ट करने के लिए दे दिया गया है। ये काफी बढ़िया है सर। तो अभी सर आपने सारी चीजें इसके बारे में एक्सप्लेन किया, काफी अच्छा भी लगा और जानकर। और सर अगर किसी कस्टमर को ये गाड़ी लेना होगा दीपावली से पहले, तो कितना कम पैसे में आप इस गाड़ी का उसको मालिक बना देंगे? आपको हम बताना चाहेंगे, कोई कस्टमर दीपावली पे या धनतेरस पे आता है हमारे यहाँ गाड़ी लेने के लिए, अगर इस गाड़ी को देखते ही चारों तरफ पसंद आ गया गाड़ी को, हमको गाड़ी लेनी है, तो हम उसके लिए ऑफर रखे हुए हैं, ऐसा ऑफर है कि वो ले सके, उसके बजट के दायरे में आए। ये हमारे जो है डाउन पेमेंट 50,000 रुपये में हम उसको गाड़ी ऑन रोड दे सकते हैं। जी सर, और उसको ये सुविधा भी देंगे कि अगर ये प्रॉपरली करे तो उसको जो है 2-3 महीने का समय भी हम लोग देते हैं कि आपका अपना जो है आइए गाड़ी ले जाइए, जो भी कंडीशन हो अपना सॉल्व करके हम उसको 50,000 में गाड़ी दे सकते हैं। जी सर, तो अगर आपको इस ऑटो के लेना होगा, बजाज ऑटो को, मात्र 50,000 रुपये डाउन पेमेंट पर आप इस गाड़ी का मालिक बन सकते हैं। तो देर किस बात की, दीपावली और दशहरा दुर्गा पूजा पर अगर आपको आना है तो आप इस शोरूम पर आइए और इस गाड़ी का मालिक बनिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।